आज नेक्स्ट डे हो गया है, टायर लग गया है, अब हम लोग यहाँ होटल से निकलेंगे, चेकआउट करेंगे। अभी टायर लगवा के आ रहे हैं मेरे हस्बैंड, तो वेट कर रही हूँ नीचे रिसेप्शन में। आ गई हूँ चेकआउट करने के लिए, जब तक वेट कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे कार लगेगा, यहाँ पे होटल का जिम देखो, इस तरह का जिम है। कल मेरे बेटे ने किया था जिम, और यहाँ पे भी जाने के लिए आई थिंक कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। स्विमिंग पूल है यहाँ पे, जो कि कार्ड मेरे पास नहीं है। देखो कहाँ शूट करती हूँ, चलो बाय, तब तक के लिए बाय बाय बाय। हेलो, गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून। हमारा यहाँ का टाइम क्या हो रहा है, 11:30 हो रहा है। गुड मॉर्निंग ही है, गुड आफ्टरनून कैसे हुआ, राइट। अभी हम एक सीन दिखा रहे हैं आप लोगों को अम्ब्रेलो में। अम्ब्रेलो से हम लोग निकल गए हैं वायमिंग के लिए। डिस्कवरी वगैरह में जो हम लोग देखते हैं ना, रैटल स्नेक का घर, हाँ ये इन्हीं सब जगहों पे शूट किया जाता है। ये देखो, ये है रैटल स्नेक का घर। पता नहीं कितना कैप्चर कर पा रहा है गोप्रो, लेकिन ऐसे ऐसे ज़बरदस्त यहाँ पे रैटल स्नेक्स देखे पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो धूप है, जो गर्मी है, हम बाहर निकल नहीं सकते। लेकिन याद बहुत आ रहा है कि यार एक रैटल स्नेक दिख जाए, ऐसे थोड़ी नहीं दिखेगा ना रोड पे। और यहाँ पे ना एक चीज़ है कि कहीं भी रेस्ट एरिया में जाओ या होटल वगैरह में जाओ, तो लिखा बोर्ड पे लिखा हुआ है कि रैटल स्नेक से बच के रहना, तो कहीं भी कभी भी दिख सकता है। तो ये है रैटल स्नेक का घर, मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ, इतना बंजर है यहाँ पे पूरा। चलो बीच में कुछ और अच्छा सीन मिलेगा ऐसे शूट कर लूँगी। आज की तो जर्नी एकदम धमाल की है, एटलीस्ट 8 or 9 hours की जर्नी है, इतना तो हम लोगों ने। ये देखो अब बढ़िया और व्यू आया है, ये देखो ये है। अच्छा, मैं ना एक चीज़ ये भी आप लोग नोटिस करते होंगे, बहुत कुछ लोगों ने मुझे ये एडवाइस भी दिया था कि भाई जब ऐसे सीन दिखाते हो वहाँ पे सॉन्ग वगैरह लगा लिया करो। पर पता नहीं क्यों, मैं भविष्य में डालूंगी कि नहीं, लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे ऐसा लगता है जो ओरिजिनल साउंड है ना, उसका मज़ा ही कुछ अलग है। जैसे रोड पर हम चल रहे होते हैं, सिटी में है, सब हॉर्न सुनो, सब आवाज़ें सुनो, सब जो ओरिजिनल आवाज़ें हैं वो सुनो रोड का। क्यों, और यहाँ पे भी देखो मैं सॉन्ग नहीं डालूंगी, मैं बड़बड़ कर रही हूँ ना, मेरा सॉन्ग सुनो और व्यू देखो, अच्छा लगता है। जो मुझे पसंद है फिलहाल वैसे ही बना रही हूँ। अगर बहुत ज़्यादा लोगों का ये आएगा रिक्वेस्ट, भाई नहीं सॉन्ग डालो, तो फिर मैं डालने लगूंगी, लेकिन मुझे ऐसे मतलब अच्छा लगता है नेचुरल एकदम। रैटल स्नेक का घर, दूर दूर तक यही सब है। अच्छा इतना अच्छा, मैं ज़्यादा कटपिट तो नहीं करूँगी, जितना शूट कर रही हूँ उतना तो डाल ही दूँगी। लेकिन कुछ लोगों को ना ऐसा है कि यहाँ की रोड, यहाँ की मतलब चीज़ें अच्छी लगती हैं, ड्राइविंग, जो लोग ड्राइव करते हो, लोगों को ना ऐसे रोड पे खाली ऐसे ड्राइव करते रहो, देखना बड़ा अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं ज़्यादा कटपिट नहीं करती हूँ। यहाँ पे ऑयल पम्प आ गया है, जहाँ धरती से तेल निकाला जा रहा है। ये देखो थोड़े बहुत तेल यहाँ से भी निकाले जाते हैं, यहाँ की धरती में तेल है। ये देखो पंप दिख रहा है ना, ये है, और यहाँ पे बहुत सारा लगा हुआ है। ये ट्रक आ गया बीच में, उधर साइड में है, इधर तो बहुत सारे लाइन में लगे हुए हैं, फिर भी जो तेल का भाव है ना सेम ही है जो हमारे यहाँ है ना, वही यहाँ पे भी है। हम सोच रहे थे यहाँ पे थोड़ा सा सस्ता होगा, क्योंकि भैया यहीं से यहीं की उपज है, यहाँ से निकल रहा है तो चीज़ें सस्ती होनी चाहिए ना, लेकिन नहीं, सेम है। हम यही उम्मीद लेके आए थे कि चलो हमारे यहाँ फ्लोरिडा में थोड़ा महंगा है, और हम लोग टेक्सास में चलेंगे तो थोड़ा सस्ता मिलेगा, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, हम रॉन्ग थे, रॉन्ग। पूरा बंजर है, बंजर, कहाँ खेती, हाँ खेती तो हो रही है।
दिखने में बंजर लग रहा है लेकिन खेती भी हो रही है, हद ही है। यहाँ पे मानुस कम दिख रहे हैं, कम्युनिटी नहीं दिख रही, फार्मर वाले जो हैं वही लोग दिख रहे हैं जिसका ये प्लॉट हो। हाँ यही ट्रैक्टर की दुकान यही होनी चाहिए ना, क्योंकि खेत भी यही है। तो अच्छा दिमाग लगाया, यहीं पे इसका दुकान भी खोल रखा है भैया, खरीदो और यहीं जोतना शुरू कर दो। ट्रॉली है लाद के लेके जाना है, सही है। ऐसे में ही हम लोग चले जा रहे हैं। वो टीम किस चीज़ का थी पाड़ी जी? स्टोरेज है, कौन जो यहाँ पे बहुत मक्का होता था ना, कौन पे। वही त्रिपाठी जी से पूछ रही थी कि वो तीन वहाँ पे तीन बड़े बड़े यहाँ पे मक्के की खेती, जो जिस जिसकी खेती यहाँ पे जो भाई होती है उसका स्टोरेज है वो। अभी तो यहाँ पे मक्का लगा हुआ है, हाँ काफ़ी खेती हुई रखी है यार। ये देखो तीन तीन ही है ना, तीन बड़े बड़े टीम जैसे स्टोरेज है, देख लो कितने बड़े बड़े हैं। ऐसे बीच बीच में थोड़े थोड़े क्लिप्स में लेती रहूँगी। ये देखो इसको कहते हैं स्टोरेज, ये इतने बड़े बड़े। चलो पूरा यहाँ पे मक्का की ही खेती दिख रही है अभी फिलहाल। न्यू मैक्सिको में हम लोग एंट्री मार दिए हैं। ऑफ कोर्स पीपल हैड टू टेक्सास को बाय कर दिया है, न्यू मैक्सिको में एंट्री मार दी है। रोड चेंज हो गया, व्यू ऑलमोस्ट वही है, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा ग्रीनरी दिख रहा है पर रोड चेंज हो गया। चलो अब न्यू मैक्सिको में हम अपनी जर्नी शुरू करते हैं। अभी सामने माउंटेन दिखा, क्या नाम है इसका? इस कोई तो वोल्केनो माउंटेन है, एक्टिव नहीं है भैया, समझना मत कि फूटा है, आग निकल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। इतना अच्छा सामने का व्यू दिखा, मैंने सोचा थोड़ा सा कैप्चर कर लूँ। और एकदम सुनसान है, एक दो गाड़ियाँ इधर उधर आ जा रही हैं। अगर मैं कंपनी देने के लिए कुछ अगर मैं मिलेगा यहाँ पे तो गाय मिलेंगी, गाय बहुत चल रही हैं इधर उधर। अभी 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 हमें डियर दिखा है लेकिन बहुत दूर दिखा, हम कैप्चर नहीं कर पाए, लेकिन इसमें डियर भी है। हाँ थोड़ा सा माउंटेन आ गया है तो ईयर में प्रॉब्लम शुरू हो रहा है, अब डियर नहीं दिखेगा, कैमरा निकला ना अब नहीं दिखेगा, यही दिक्कत हो जाता है, यही दिक्कत हो जाता है। हम लोग ना फाइनली माउंटेन के पास रुकी गए, रेस्ट एरिया था तो थोड़ा सा सवा दो घंटा हो गया ड्राइव करके। तो रेस्ट एरिया देखो बीच बीच में बना रहता है, यहाँ पे खाना वगैरह खाओ और फ्रेश हो लो और माउंटेन दिखाते हैं थोड़ा पास जाके। ये देखो बीसी हाईवे को मर्ज होना है, थोड़ा दूर जाती हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है सीरियसली, और टेम्परेचर देखने में धूप बहुत ज़्यादा है ना, पर टेम्परेचर बहुत परफेक्ट है, विंडी है तो इतना गर्मी नहीं लग रहा है, अच्छा है। और यहाँ पे देखो धूप ना लगे, अभी तक शेडेड हमने ये नहीं देखा था, पिकनिक एरिया मतलब लंच वगैरह आपको बैठना है थोड़ा बहुत, यहाँ पे इतना ज़्यादा धूप है ना इसलिए यहाँ पे शेड बनाया गया है, शेड में ही बेंच वगैरह लगाया गया है ये देखो, ताकि धूप ना लगे। रैटल स्नेक यहाँ पे देख के चल रहा है भाई, ये देखो सब खाने के लिए बनाया है छोटे छोटे शेड में। हम लोगों के यहाँ ऐसा नहीं है, कहीं और भी नहीं देखा था यहाँ पे, लेकिन है बिकॉज ऑफ सन। तो चलो ये दिखाते हैं, अब व्यू दिखा रहे हैं, पूरा एकदम खुला हुआ, अमेजिंग फीलिंग लग रहा है। मैं
शब्दों में बता नहीं सकती हूँ, इतना अमेजिंग फीलिंग है ये। अभी डियर तो नहीं दिख रहा, एक डियर दिखा दीजिए। और ये हाईवे, हाईवे पर से जाओ, ऐसे ऐसे व्यू हो, कितना आनंदमय लगे ना, आत्मा एकदम खुश हो जा रहा है। ये देखो खुला मैदान। अब यहाँ से ड्राइवर चेंज होगा, ऐसे ही होता है ना जब रोड ट्रिप पे निकलते, दो तीन ड्राइवर रहते हैं साथ में तो ही मज़ा आता है, सिंगल ड्राइवर से नहीं हो सकता बाप, हो ही नहीं सकता। चलो इधर देखो, छोटा सा माउंटेन इधर है। यहाँ पे ना ये पता नहीं किस टाइप का, ये कौन सा चिड़िया है समझ में नहीं आ रहा, हम तो फर्स्ट टाइम देख, देखो कौआ जैसे लग रहा है, पता नहीं कौन सा है बर्ड। चलो फिर बीच बीच में देखते हैं कहीं कैप्चर करना हुआ तो। बाय। आरवी वगैरह सब लग गया है एकदम लाइन में उधर। आरवी बेस्ट होता है रोड ट्रिप के लिए, हमारा सडन प्लान बना, नहीं तो आरवी की इच्छा थी, देखेंगे फ्यूचर में लेंगे जरूर आरवी, आरवी से करेंगे। जिस वोल्केनो माउंटेन की बात कर रहे थे ना हम, सडनली प्लान बन गया चलो देखने चलते हैं। अब रोड ट्रिप का यही होता है, 30 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, तो सोचा मेरे हस्बैंड ने सोचा चलो देख ही लेते हैं क्या हाल चाल है, ऊपर का मुआयना कर लेते हैं। ये देखो क्योंकि गाड़ी ऊपर तक जा सकती है तो इसलिए इतने धूप में हम लोगों ने ये प्लान कर लिया है। ये देखो ये है माउंटेन, इसी पे अभी हम जा रहे हैं। ये देखो माउंटेन का नाम है, जरा हटो भाई गाड़ी। ये है कैपुलिन वोल्केनो। चलो क्या व्यू दिख रहा है, अभी थोड़ा सा ही ऊपर चढ़े हैं, व्यू देखो नीचे का, देख के डर लग रहा है रियली। ब्यूटीफुल। क्लियर व्यू, सही है, ऐसा लग रहा है नीचे समंदर है। ये व्यू देखो, ऐसा लग रहा है जैसे टेक ऑफ हो रहा है प्लेन, ऐसा व्यू लग रहा है। ओह माय गॉड लवली। फाइनली ऊपर आ गए हैं, ऊपर से व्यू दिखा रहे हैं। ये देखो लग रहा है ना एकदम अमेजिंग। ये जो वीडियो होगा ना ये पूरा रोड वाली जर्नी होगी। तो देखो और यहाँ पे भी स्नेक की वार्निंग दी गई है। अच्छा बेयर भी यहाँ मिलेगा। सारी चीज़ें यहाँ पे पाई जाएंगी, पाई जाती हैं, पर हमें सिर्फ डियर ही दिखा है, स्नेक से मैं मिलना नहीं चाहती। हाँ डियर और बेयर वगैरह मिल जाए तो शायद मिल लूँ, लेकिन रैटल स्नेक ना वगैरह। उस साइड देखते हैं, यहाँ इंफॉर्मेशन सेंटर है क्या है, नहीं रेस्ट रूम है, इंफॉर्मेशन सेंटर नहीं है रेस्ट रूम है। ऊपर आके भी बाथरूम की सुविधा है और यहाँ पे ट्रेल है, जा सकते हो पर हम नहीं जाएंगे क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है, प्लस हमें आज ड्राइव बहुत ज़्यादा करना है, इसलिए हम हाइकिंग पे नहीं जाएंगे, नहीं तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पे ट्रेल है।
चलो डाउनस्टेयर्स चलते हैं, यहाँ पे क्या है देखते हैं। बैठने के लिए सीट बना हुआ है, शेड है। हाँ यार सही है यार, थोड़ा सा अगर मैं शाम का टाइम होता ना तो यहाँ पे हम जा सकते थे, ब्यूटीफुल लग रहा है देखने में। सीरियसली मुझे तो जाने का ही मन कर रहा है यार। वहाँ नीचे तक ट्रेल है सब, बहुत ही अच्छा है। इतना अच्छा, हम तो जंगल में मंगल गा रहे हैं, जंगल में मंगल। अमेजिंग फीलिंग है यार। अब मैं ना सांप के घर में उतर गई हूँ। ये है, यही देखने आए थे। बोला था ना एक्टिव वोल्केनो नहीं है, पर ये कुआं है, कुआं। हम जा रहे हैं कुआं में। ये देखो 0.2 माइल का है वॉक, तो डाउन हम लोग जा रहे हैं। पहुंच गए, यही देखने आए थे हम लोग, यही एग्जैक्टली यही देखने आए थे हम। उतने ऊपर से आ रहे हैं नीचे से। ये देखो, बस इसी में से धुआं निकलने लगता ना तो अभी मज़ा आ जाता हम लोगों की। हम लोग बचेंगे नहीं बचेंगे वो तो पता नहीं, मज़ा आ जाए। जब तक नहीं निकल रहा है तब तक हम इंजॉय कर ले, निकलेगा तब का तब देखेंगे। रिस्क लेके ही तो आए हैं, जो होगा सो होगा। ये देखो हम लोग कुएं में आ गए हैं, उतने ऊपर से यहाँ कुएं में आ गए हैं। ये देखो उतर लेते हैं नीचे। चलो ये है पूरा इंफॉर्मेशन। सारे जगह जगह पे इंफॉर्मेशन हमें क्या क्या फॉलो करने दिया गया है। ब्रीदिंग रूम, ये रेडल स्क्रीन देख रहे हैं, यही यहाँ पे होता है। अभी तक तो दिखा नहीं है। चलो अब यहाँ से निकलते हैं। अब इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। अब नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। आई थिंक ये बहुत लंबा ऑलरेडी हो चुका है ब्लॉग। और कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना कि जर्नी कैसी लग रही है। ऐसे रैंडम ही शूट कर रहे हैं, शूट तो रैंडम ही अच्छा लगता है ना, करना प्लान करके करो तो अच्छा नहीं लगता है। तो चलो एक बार फिर से हम व्यू दिखा देते हैं। Yeah, beautiful.